Hem bak ucun gel. Nasıl lan? Bilal. Ek, do, tiin, çar. Çar thali kiske liye? Mere liye sir. Tum kaun ho? Tain, apne munim Gopal se puch rahe ho ki tum kaun ho? ठीक है और ये दो थालियां बाप बेटे के लिए ये क्या दो बिस्किट मैं क्या बच्चा हूँ ऐसा नहीं बनाया बनाया है सरकार लड्डू हलवा पूरी कचौरी समोसा सब बनाया तो सब ले आओ हाँ जाओ जल्दी करो चलो गौरी नाश्ता लाओ लड्डू कचौरी आपका पेट खराब हो जाएगा आप बदतमीजी कर रहे हैं ये सब खिलाने के लिए मना किया है मालिक ने कौन मालिक किसका मालिक फिर ऐसे कहा तो जबान सी दूंगा भीम एक दूसरे काम नहीं चलेगा समझ गया मालिक समझ गया चलो देखो समझ गया मालिक अबे नजर लगाएगा क्या उसे कुत्ते की तरह क्या ताक रहा चले लोगों के खाने में क्या मजा बैठ कर खा और यहाँ बैठो हाँ हमारे बराबर बैठो आपके बराबर वो देखेंगे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो कौन मालिक फिर कभी किसी को मालिक कहा तो तेरी चुटी काट दूंगा तो तुम बैठो मेम और लाओ मालिक अब थोड़ा सा बाप बेटे के लिए बचा है नॉनसेंस जिसको भी देना हो हमारे खाने के बाद जो बचे वो दो समझे समझ गया आइए आइए पधारिए तशरीफ रखिए हाँ लिए लीजिए लीजिए ना चलो अरे गोपाल तेरी इतनी मजा उठ 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 नाश्ता कर रहा है मेरे कहने से बैठा मालिक और नौकर की इतनी बराबरी पर भी क्या है पाजी जी मालिक के सर पे क्या सिंगे होती हैं भौंकना नहीं भौंकना नहीं देखो देखो भौंकने वाला कुत्ता कैसे चुपचाप बैठ कर नाश्ता कर रहा है हद हो गई कुत्ते को खाना किसने दिया मैंने खाने दो ना कुत्ता बड़ा वफादार होता है मेरा नाता लाओ सॉरी पाजी मैंने सब खा लिया क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा सिर्फ ये खाओ दोने जितने चाहो कुत्तों की बिस्किट ये कुत्तों की बिस्किट मैं खाऊं और कुत्ता हलवा और कचौरी खाए पाशी इन्हें कुत्तों की बिस्किट ना कहो ये वफादारी के बिस्किट हैं ये खाकर तुम भी वफादार हो जाओगे कुत्ते की तरह क्या मुझे कुत्ता कहता है तेरी इतनी हिम्मत तेरी इतनी हिम्मत है तो मालिक होकर मुझ में कितनी हिम्मत होनी चाहिए मालिक कौन मालिक मालिक मैं हूँ सिर्फ इस सारे स्टेट का ही मालिक नहीं तेरा मालिक भी मैं हूँ मेरा हुक्म चलेगा समझे क्या कहा हाथ नहीं उठाना नहीं तो जैसे को तैसा कपाल कपाल दास मुफ्त का मालिक खाओ और सो जाओ जी 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 सरकार हिसाब लिख रहा था नेम में जी नहीं रजिस्टर में झूठ बोलते हो जी नहीं जबकि लग गई थी ठीक है तुम्हारे पास कितने रुपए मेरे पास मैं और आपको पैसे दूं मेरे पास तो 75 नए पैसे हैं तुम्हारी जेब में नहीं मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने रुपए तिजोरी में इतने थे उतने हैं उतने तुम्हें नहीं मालूम तो चाबी इधर लाओ मैं तिजोरी खोल कर खुद ही देख लूंगा मारे गए इधर कुआ उधर खाई बड़ी मुसीबत आई जो खास है वो पास नहीं कौन खास है कौन पास है मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने रुपए पता 9,75,000 चाबी धरना चाबी मेरे पास नहीं है अरे चाबी देता है करो छुट्टी छुट्टी तो रविवार की बात होती है मालिक को मालूम पड़ गया कौन है तेरा मालिक 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 तो आप है मालिक हिसाब किताब ठीक रखना वरना छुट्टी हो जाएगी छुट्टी 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 बेईमानी में भी धोखा ईमानदारी में भी धोखा किसका हाथ पकड़ू किसका हाथ छोड़ू भगवान कुछ समझ में नहीं आता मामा जी अरे आओ आओ बेटा तुम्हारे ही तो इंतजार था वकील साहब यही है मेरा भांजा विनोद कुमार आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे भी हालांकि मामा हूँ लेकिन माँ बाप की कमी कभी नहीं महसूस होने दी अपने बेटे पाशी से ज्यादा ख्याल रखता हूँ इसका हाँ बहुत ख्याल रखते हैं
मामा जी तो प्यार और परोपकार के छिपे हुए अवतार हैं। हरि ओम हरि ओम। अरे बेटा परोपकार तो परायों पे किया जाता है, अपनों की तो रक्षा की जाती है। अरे हाँ बेटा, आप हैं करोड़पति भीमसेन जी। वो तो देखने से ही लग रहा है। पाजी, I'm sorry. पाशी, शायद सेठ जी हमारी स्लेट देख रहे हैं, शौक से दिखा दो बेटे। वो कहाँ चले? इस कागज पर दस्तखत करते जाओ। किस कागज पर? किस लिए? बेटे वो अपनी जागीर का पूर्वी हिस्सा है ना, वो सेठ जी के हाथ बेच रहे हैं। वो जमीन? वो जमीन तो एकदम बंजर है, किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। सेठ भीमसेन जी, आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमीन पे चाय की पत्ती की बात तो दूर, कांटे भी नहीं उगते। कोई बात नहीं। क्या कहा? कांटे भी नहीं उगते? अरे मुझसे तो कहा गया वो जमीन सोना उगलती है। सोना उगलने वाली जमीन कौन बेवकूफ बेचेगा? मामा जी, हमें जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बेटा, 2 लाख रुपया तो हमें इनकम टैक्स भरना है। भर देंगे। इतना रुपया कहाँ से आएगा? रुपया तिजोरी में मामा जी। मिस्टर 20,000 रुपए है। तुम्हें गिनना नहीं आता पाशी, स्कूल में भर्ती हो जाओ। गोपाल जी इधर आइए। आया सरकार। गोपाल जी, तिजोरी में कितना रुपया? हाँ हाँ, तिजोरी में कितना रुपया जवाब दीजिए। तिजोरी में कितना रुपया? 9,75,000 रुपए। मामा जी माफ करना, हम 1 इंच भी जमीन नहीं बेचेंगे। सेठ भीमसेन जी आप जा सकते हैं। विनोद। हरिओम। ए श्यामलाल जी, बंजर जमीन बेच के हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे। चलिए वकील साहब। चलिए। देखा बाबूजी कितनी फजीहत की है विनोद ने, आज तो मैं उसकी खाल उदे दूंगा। हरिओम हरिओम। ये बाप और बेटे आज दिन के सांप बनकर विनोद को डसना चाहते। मैं इन जहरीले सांपों का फन को चलाऊंगा। भगवान इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो भगवान। विनोद, हे विनोद, क्या है? इधर आ। ए पाशी, आप ही इधर आने की तकलीफ कीजिए ना। बहुत पढ़ निकल आए तेरे, तूने उस सेठ के सामने हमारी बेइज्जती क्यों की? इज्जत कहाँ है तेरी? सामान लगाता है, सामना करता है। आदत पड़ गई, क्या करूं पाजी। क्या कहा? पाजी 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 पाजी। तेरी ये हिम्मत, सलमान खा खा के तेरी आंखों में चट्टी कर दिया क्या? पाशी जी, सर मारी है मुझे, पाशी मुझे रहना है। पाशी जी, बाला मुझसे गलती हो गई। पाशी मारी है। पाशी जी, पाशी भाई, पाशी भाई, पाशी जी, क्या मुझे जोड़ दिया भाई? अरे मर गया, पोकेट में मार दिया। अरे मर गया बाप। आइए आइए। हाँ मामा जी, आप और इस शैतान ने मुझे जल रात की तरह पीटा है। मामा जी देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है, तबड़ी उधेड़ दी है मेरी। मामा जी, मामा जी दरअसल बात यह है, पाशी जी ने मुझे नौकरों के सामने खूब पीटा, मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर क्या था, सटाक सटाक। विनोद बेटा, विनोद बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये तेरे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। पाशी जी, पाशी जी माफ कर दो, ये बहुत दुख है। कमर टूट गई, कमर टूट गई। अरे जग्गू, गोपाल, मेरे ममेरे भाई की कमर टूट गई, जल्दी और ले जाओ। उठिए सर, उठो उठो उठो, आते आते कमर टूट गई है। मामा जी, आप पाशी जी को हल्दी में दूध डालकर पिलाइए और उसके बाद गर्म पानी का सेक करिए, फिर देखिए पाशी जी एकदम अच्छे हो जाएंगे। पाजी, ये तेरे पाप की पहली सजा है। ठहरिए मालिक। क्या है? ए, मालिक, आज तो आपने कमाल कर दिया। नजर उतार रहा हूँ। अरे वाह बजरंग मणि, आज तूने मेरी पुकार सुन ली।
धीरे से धीरे से मर गया। कैसा खूबसूरत और साफ मैदान था और क्या से क्या हो गया। क्या तरतीब से दुनिया का नक्शा बन गया। बाप रे, दुनिया का नक्शा और पीठ पर देखो तो सही, इसमें अपना भारत कहाँ है। बनाने वाले की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बड़ी खूबसूरती से हर मुल्क अपनी अपनी जगह बनाया है। वाह वाह वाह, मारने वाले ने भी कमाल कर दिखाया। आराम कीजिए छोटे सरकार, एक बात पूछूं आपसे। कौन? पहला हंटर पढ़ते ही आपको भाग खड़े होना था। तो फिर ये दुनिया का नक्शा कहाँ देखने को मिलता। बेहूदा कहीं के बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ जल्दी। बदमाश बेटा। बाबूजी, मैं दावे से कहता हूँ ये विनोद नहीं हो सकता। विनोद ने इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं। तुम हमेशा गलत सोचते हो पाची। बेटा दब के चूंटी भी काट लेती है, जान की नौबत आने पर बिल्ली भी शेर बन जाती है। तुमने हमेशा जोर और जुल्म का सहारा लिया, ये उसका नतीजा है। सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता बेटे, अकल की भी जरूरत होती है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ।